दोस्तों, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमें अपने पीसी पर कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होगा। सो फर्स्ट हम इंस्टॉल करेंगे एक वेब ब्राउजर एंड सेकंड हम इंस्टॉल करेंगे एक कोड एडिटर। अब वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपना वेबसाइट ब्राउजर में देख पाते हैं। मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करें गूगल क्रोम। नेक्स्ट बात करते हैं कोड एडिटर के बारे में। तो कोड एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कोडिंग में हमारी काफी हेल्प करता है और इससे हमारा स्पीड और एफिशिएंसी काफी बढ़ जाता है। अब कोड एडिटर के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि एटम, सबलाइम, वीएस कोड एटसेट्रा। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूज करें वीएस कोड। अब इन सॉफ्टवेयर्स को कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए मुझे आना होगा ब्राउजर में और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा google.com और यहाँ पर मैं लिखूँगा डाउनलोड गूगल क्रोम और फर्स्ट लिंक पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमें एक exe फाइल देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस exe फाइल को रन करना है। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस आएगा, यस करूँगा मैं तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम वी एस कोड को डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए मुझे दोबारा से google.com पे टाइप करना होगा वी एस कोड, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पास कोई और पीसी है, जैसे कि मैक ओएस है या फिर लिनक्स है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्योंकि मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमें एक exe फाइल देखने को मिलेगा, सो ये exe फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये exe फाइल आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको इस exe फाइल को रन करना है। इस पर डबल क्लिक आप करोगे तो यहाँ पर ये एक ऐसा पॉपअप आएगा, आपको एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा, फिर नेक्स्ट 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 करते जाओगे तो ये वी एस कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसे ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना होगा वी एस कोड, ठीक है, और क्लिक कर देंगे तो आपका वी एस कोड ओपन हो जाएगा। सो हम लोगों ने गूगल क्रोम और वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया है। आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।